रचना निर्मेय आठ, दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना। उदाहरण आठ, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें एबी बराबर 7 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, एडी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण बीएडी बराबर 60 अंश हो, तथा एडी को एक भुजा मानकर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। बच्चों, अभी फिर हमारे पास एक नई चुनौती है, एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसकी माप दी हुई है, और फिर उसके बाद ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। आपके लिए बिल्कुल ही एक नई तरह की रचना होगी ये। आइए देखते हैं, जिस तरह से आपने पिछली रचनाएं की हैं कुछ वैसा ही हम यहाँ भी करेंगे। जो चतुर्भुज के लिए सूचनाएं हमें दी हुई हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें भुजा ए बी 7 सेंटीमीटर है, भुजा बी सी 4 सेंटीमीटर है, भुजा सी डी 6 सेंटीमीटर की है और भुजा ए डी 5 सेंटीमीटर की है। इन जानकारियों के अलावा एक और जानकारी है, जो ए पर कोण बन रहा है डी ए बी, उसकी माप 60 अंश की है। इन पांचों जानकारियों के आधार पर हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे और फिर एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये चतुर्भुज बनाएं और ये देखिए, हम सबसे पहले आधार रेखा ए बी बनाते हैं जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया और इसे किरण के रूप में हम आगे बढ़ा दें और इनका नामकरण करें। बिंदु ए, ये बिंदु बी, और इसे किरण के रूप में दिखाएं और नाम दें एक्स। अब इसके बाद हम ए डी की रचना करेंगे और ए डी की रचना करने के लिए हमें ये इसकी दिशा पता चलेगी इस कोण के माध्यम से। तो ए पर हम 60 अंश का कोण बनाएं, ये चांदे को हमने इस लाइन पर रखा, ए पर उसका मध्य बिंदु है और ये 60 अंश। इसे हम मिलाएं बिंदु ए से, ये हमने मिला दिया और इसे आगे बढ़ा दिया और इसे नाम दिया किरण ए वाई। ये बिंदु डी इस रेखा ए वाई पर कहीं होगा और जो उसकी स्थिति होगी उसके लिए हम इस माप का उपयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर। प्रकार लें और 5 सेंटीमीटर यहाँ से देखें, ये प्रकार का फैलाव 5 सेंटीमीटर का है। नोक ए पर रखें और यहाँ एक चाप काटें, ये 5 सेंटीमीटर लंबा चाप है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप है, इसे नाम दें डी। ये हमारे चतुर्भुज का तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु सी है, इसे प्राप्त करने के लिए हम इन दो जानकारियों का उपयोग करेंगे। डी सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हम 6 सेंटीमीटर तक प्रकार को फैलाएं, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लें और डी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप यहाँ काटें। उसके बाद बी सी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का चाप लें, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ हमने इसे बी पर रखा और इस चाप को काटा, पहले वाले चाप को जो एक बिंदु पर काटता है, इसे हम सी नाम दें। सी डी और बी सी को मिला दें, ये हमने मिला दिया, सी डी भुजा बन गई और बी और सी को भी मिला दिया। इस तरह हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। इसकी सारी मापें हम लिख लें, ए बी 7 सेंटीमीटर,
बी सी, यहाँ लिख लें बी सी को, यहाँ अभी हमें काम करना है, इसे अलग से लिख लें, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर की है, और ए डी 5 सेंटीमीटर। ये जो कोण हमने बनाया था 60 अंश का, इसे भी यहाँ अंकित कर दें। ये चतुर्भुज बन गया। इसका क्षेत्रफल जो होगा उसे हमें अभी नापने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की रचना करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका विकर्ण बेडी बनाएं। ये हमने बी और डी शीर्षों को मिलाया, विकर्ण बेडी बन गया। अब हमें कुछ रचना करनी होगी, और जब भी हमें रचना करनी होती है तब ये सोचना होता है कि ये रचना आखिर हम कर क्यों रहे हैं। तो ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि हम उन तर्कों को समझ पाते हैं जिनकी मदद से हम कोई रचना करते हैं। जब हम रचना करने वाले हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस चतुर्भुज के बराबर एक त्रिभुज यदि हम बनाना चाहते हैं क्षेत्रफल में, तो उसके लिए हमें इस चतुर्भुज के कुछ हिस्से को चित्र से हटाना होगा और कुछ हिस्से को रखना होगा, और एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी होगी जो इस हटाए हुए हिस्से के बराबर एक क्षेत्रफल खुद बनाता हो। इसके लिए हम एक समानांतर रेखा खींचेंगे बी डी के, जो सी से होकर गुजरेगी। ये हम क्यों कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे फिर से। पहले हम एक समानांतर रेखा बनाएं, और आपको मालूम है समानांतर रेखा खींचने के लिए जो एकांतर कोण होते हैं उनके बराबरी के गुण का हमें उपयोग करना होगा। हम कोण बी पर जो कोण डी बी सी बन रहा है उसके बराबर एक कोण सी पर बनाना होगा। ये हमने एक चाप लिया और इसे बिना बदले एक ऐसे ही चाप यहाँ भी खींचे हम, और देखें चाप का फैलाव कितना है। आपको मालूम है समान त्रिज्या के चाप केंद्र पर एक समान कोण बनाते हैं। ये बी पर बने चाप का फैलाव, चाप की लंबाई हमने इसे प्रकार पर ली और उसे यहाँ पर स्थानांतरित किया और एक निशान लगाया। ये जो नया चाप बना है वो ठीक इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण यहाँ बन रहा है वो कोण यहाँ बनेगा अगर हम सी से इसे मिला दें। चलिए सी से हम इसको मिलाते हैं। ये हमने मिलाते हुए लाइन खींची, रेखाखंड खींचा, और इसे नाम दे दिया हमने ई। अब इस बिंदु ई को हम डी से मिलाएं। आप देख रहे हैं एक त्रिभुज आपके सामने है, त्रिभुज ए ई डी। ये त्रिभुज हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन ऐसा केवल कहने से नहीं होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि ऐसा वास्तव में है, यथार्थ में है। इसके लिए देखिए आप इस चित्र को ध्यान से। आपके पास रेखाखंड बीडी है और रेखाखंड सीई है। आपने इसकी रचना इस तरह से की है कि दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, बी सी डी और त्रिभुज बी ई डी। त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज बी ई डी, ये दोनों त्रिभुज ऐसे हैं जिनका आधार एक ही है बी डी, और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बन रहे हैं, और इससे इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होने की स्थिति में चतुर्भुज का ये हिस्सा इस त्रिभुज के इस हिस्से के बराबर होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो बीच का हिस्सा है वो इस त्रिभुज में भी है और चतुर्भुज में भी है, और चतुर्भुज का ये हिस्सा भी दोनों में उपस्थित है, चतुर्भुज में भी और इस त्रिभुज में भी। केवल ये हिस्सा है जो चतुर्भुज का, जो इस त्रिभुज में शामिल नहीं है, इसे हम ये कह सकते हैं कि हमने इसे हटाया और उसके बराबर क्षेत्रफल वाली जगह यहाँ जोड़ दी।
तो जो नई आकृति आपके सामने त्रिभुज की मिल रही है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों हिस्से चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों में हैं, लेकिन ये हिस्सा चतुर्भुज में है, त्रिभुज में नहीं है, और ये हिस्सा त्रिभुज में है, इस चतुर्भुज में नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है और ये हिस्सा दोनों में उपस्थित है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों क्षेत्रफल में बराबर होंगे। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे त्रिभुज ए ई डी की रचना की जो पहले बने हुए चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस तरह से रचना संपन्न होती है। जो बात अभी अपने यहाँ देखी है उसे हम इसके जैसे एक और चित्र से समझते हैं। हमने आपसे कहा कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। आप देखिए, मैं नीले रंग से इस त्रिभुज को रंगता हूँ। ये त्रिभुज बी बी ई डी को प्रदर्शित करता है और एक और त्रिभुज है जिसे मैं इस गुलाबी रंग से कवर कर रहा हूँ। ये त्रिभुज है बी सी डी। ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों का आधार बी डी है और ये दोनों के दोनों त्रिभुज समानांतर रेखा बी डी और सी ई के बीच बन रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों के शीर्ष क्रमशः ई और सी पर है। तो जो चर्चा अभी हमने आपसे की थी कि यदि किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जो त्रिभुज बनते हैं वह क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो जो त्रिभुज आप गुलाबी रंग से रंगा हुआ देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल इस नीले रंग से प्रदर्शित त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसमें नीले और गुलाबी रंग की लाइनें पड़ी हुई हैं, ये दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है। तो यदि इसको हम हटा दें तो हमारे पास ये हिस्सा बचता है और ये हिस्सा बचता है। तो चूंकि पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और ये हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये जो बचा हुआ हिस्सा है जो नीले और गुलाबी रंग से दिखाई पड़ रहा है वो क्षेत्रफल में बराबर होगा। और ये क्षेत्रफल में बराबर है तो आप गौर से देखेंगे ये जो गुलाबी रंग का हिस्सा है वो इस चतुर्भुज का हिस्सा था और ये जो नीले रंग का हिस्सा है वो इस बड़े त्रिभुज का हिस्सा है। तो आपने यदि चतुर्भुज से इस हिस्से को हटाया तो ठीक उसके बराबर क्षेत्रफल का हिस्सा त्रिभुज में आपने जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में ये जो सब चतुर्भुज बना आपके पास ए बी सी डी, उस पूरे का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई डी के क्षेत्रफल के बराबर हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज में से जिस हिस्से को आपने हटाया था ठीक उसके बराबर का हिस्सा त्रिभुज में यहाँ पर रचा गया है, इसलिए त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। सोचें एवं चर्चा करें। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है, कैसे?